हेलो दोस्तों, जीत अकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह नवंबर 2020 का सेकंड वीक है, मैं जिसमें 70 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ अ स्टोरीज इज ऑथर बाय होम, यानी कि ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ अ स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर बनता है, वो है आपका सुधा मूर्ति के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, यानी किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है, वो है आपका 8 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द ओनली कंट्री टू फॉर्मली क्विट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ने वाला एकमात्र देश कौन सा देश बन गया है। इसका राइट आंसर बनता है, वो है आपका यूएसए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, पायोनियरिंग इको सस्टेनेबल प्रोग्राम्स परिवाथनम टू हेल्प द फिशिंग कम्युनिटी वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, यानी कि मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम परिवर्थनम किस राज्य में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है, वो है आपका केरल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे लॉन्च्ड अ सेल्फ हेल्प वेबसाइट बंधु फॉर स्टूडेंट्स ऑफ विच IIT, यानी कि शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने किस IIT के छात्रों के लिए एक स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर बनता है, वो है आपका IIT बॉम्बे के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज ऑब्जर्व्ड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 9 नवंबर, यानी किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया है। इसका राइट आंसर बनता है, वो है आपका उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज, विच स्टेट्स गवर्नर हैज गिवन इस हिज असेंट टू द विल टू प्रोवाइड 7.5% रिजर्वेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट स्कूल इन मेडिकल कोर्सेज, यानी किस राज्य के राज्यपाल ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पर अपनी सहमति दी है। राइट आंसर इसका जो बनता है, वो है आपका तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू गेट टू 1,000 sixes इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री, यानी कि T20 क्रिकेट इतिहास में 1,000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। राइट आंसर बनता है, वो है आपका क्रिस गेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट विच इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। राइट आंसर इसका जो बनता है, वो है आपका JNU में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पाकी टाइगर रिजर्व हैज बिकम द फर्स्ट इन द 8th नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट COVID-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स, इट इज इन विच स्टेट, यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन सैनिकों के लिए COVID-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, यह किस राज्य में है। चलिए राष्ट्र इसका राइट आंसर बनता है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो बिडेन हैज बीन इलेक्टेड एज द विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जो बिडेन को अमेरिका के कितने नंबर प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर बनता है, वो है 46th, यानी कि 46वें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु बिकेम फर्स्ट वीमेन इन अमेरिकन हिस्ट्री टू बी द इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली अमेरिकी इतिहास में पहली महिला कौन बनी है। राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो है आपका कमला हैरिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच स्टेट हैज बैग्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी अंडर द नेशनल्स वाटर अवार्ड्स 2019 प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, यानी केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। राइट आंसर इसका बनता है, वो है आपका तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द इंडियन डेलीगेशंस टू द
20th समिट ऑफ SCOs काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स विच कंट्री चेयर्ड दिस मीटिंग्स, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका राइट आंसर बनता है वह आपका रसिया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत डेलीगेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर वेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना समर्पित किया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका लोअर दिवांग वैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेनियल मेदवेदेव has won the men's single title of 2020 FedEx Masters for the first time by beating German Alexander Zverev. He is from which countries? यानी कि डेनियल मेदवेदेव ने जर्मन अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हरा करके पहली बार 2020 पेरिस मास्टर्स का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। वह किस देश से हैं? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका रसिया, यानी कि रूस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मिशन शत प्रतिशत फॉर 2020-21 एम्ड एट एम्पावरिंग स्कूल्स टू अचीव 100% रिजल्ट्स डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बावजूद 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2020 या 2021 के लिए मिशन 100% शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका पंजाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, हु इज मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौवहन मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर दिया है, इसके मंत्री कौन है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मनसुख मंडाविया जी, इसके मंत्री हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंट्री विल होस्ट द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 वर्चुअली, यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 की वस्तुतः मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका नागालैंड। ये देश नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये राज्य की बात है, तो राज है आपका नागालैंड, सॉरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजेटरी क्वेश्चंस, यानी किसको प्रशासनिक और वजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका विदिशा मैत्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर सिक्किम चीफ मिनिस्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका सांचमन लिम्बो, इसका नाम हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज पेंड द नोबेल रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर ऑन ट्रांसजेंडर्स, यानी कि कहता है किसने ट्रांसजेंडर्स पर रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर उपन्यास लिखा है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका शशिधरन कलीन कील, नाम है इनका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु विल कम आउट विथ हिज बुक फॉर चिल्ड्रेन द कॉवर्ड एंड द स्वॉर्ड, यानी कौन बच्चों के लिए अपनी किताब द कॉवर्ड एंड द स्वॉर्ड लेकर आएंगे? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जुगल हंसराज जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप हैज पार्टनर विद द 5 इंडियन बैंक्स टू प्रोसेस इट्स पेमेंट सर्विस, दीज आर स्टेट्स बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड विच बैंक। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी किया है। ये भारतीय स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जियो पेमेंट बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियाज PSLV C-49 इन इट्स 51st फ्लाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड EOS-1 अलॉन्ग विद 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स, वन इज फ्रॉम लिथुनिया एंड 4 फ्रॉम
विच एंड फोर फ्रॉम द यूएसए, कह रहा है कि अपनी 51 यानी कि 51वीं उड़ान में भारत के PSLV C-49 ने 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक EOS-01 लॉन्च किया है। एक लिथुआनिया से है और कौन से 4 और यूएसए से हैं, और तो पूछता है इसमें आंसर जो बनता है वो है आपका लग्जमबर्ग से 4 और है, ठीक है। टोटल आपका 4, 4, 8 और 1, 9 है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पैट्रॉन ऑफ द मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब्स फाउंडेशन, यानी किसको मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका माइकल होल्डिंग्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फास्टैग विल बी कंपल्सरी फॉर 4-व्हीलर्स फ्रॉम, यानी कि कब से 4-पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका जनवरी 2021 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कहता है फॉर विच नोवेल मलयालम ऑथर एस हरीश हैज़ वॉन द 2020 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि किस उपन्यास के लिए मलयालम लेखक एक एस हरीश ने साहित्य के लिए 2020 JCB पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मस्टैश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है कहता है मॉस्टैच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय जयश्री काला थिल एंड पब्लिश्ड बाय द हार्पर्स कोलिंग्स इंडिया, इट इज़ अवार्डेड एनुअली विथ हाउ मच अमाउंट। कहता है कि मस्टैश अंग्रेजी में जयश्री कलाथिल द्वारा अनुवादित की गई है और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह प्रति वर्ष कितनी राशि से सम्मानित किया जाता है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 25 लाख से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नटखट स्टारिंग एंड को प्रोड्यूस्ड बाय विद्या बालन हैज़ वॉन टॉप प्राइज एट द 3rd एडिशन ऑफ वेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 विच मेक्स इट एलिजिबल फॉर ऑस्कर नोमिनेशंस, इट इज़ डायरेक्टेड बाय होम। कहता है विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सह निर्मित नटखट ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म समारोह 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है जो इसे ऑस्कर नामांकन के लिए योग बनाता है। यह किसके द्वारा निर्देशित है? तो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका शान ब्यास के द्वारा निर्देशित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब बनता है वो है आपका 9 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साइंस फूड एंड विथ सोसाइटी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि साइंस फूड एंड विथ सोसाइटी विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस का विषय रहा है, यह किस दिन मनाया जाता है आपको बताना है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वह आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज़ अटेंडेड फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग्स, यानी किसने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया है? राइट आंसर बनता है उसका निर्मला सीतारमन जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस 2020, यानी कि भारत मोबाइल कांग्रेस 2020 के 4th संस्करण का विषय क्या रहा है? राइट आंसर बनता है इंक्लूजन इनोवेशंस स्मार्ट आई सिक्योर आई सस्टेनेबल। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्टेट्स ऑफ द आर्ट ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स एट विच सिटीज, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कटक उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजपुर लीची ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी किस राज्य के तेजपुर लीची को और भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? राइट आंसर का बनता है वो है आपका असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिटमैन
द रोहित शर्मा स्टोरी इज ऑथर्ड बाय होम, यानी कि द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर बनता है इसके दो लेखक हैं, एक तो हैं विजय लोकपल्ली जी और दूसरा जी कृष्णन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है, 15th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 2022 to 2025 to 2026 टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द चेयरमैन। यानी कि 15वें वित्तीय आयोग ने वर्ष 2021-22 से लेके 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, इसके चेयरमैन कौन है? राइट आंसर बनता है इसके चेयरमैन है एनके सिंह जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच एयरपोर्ट बिकम द थर्ड ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन बिहार आफ्टर पटना एंड गया। कहता है पटना और गया के बाद कौन सा हवाई अड्डा बिहार का तीसरा परिचालन हवाई अड्डा बना है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका दरभंगा एयरपोर्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल इंस्टॉल्ड इनसाइड द डीआरडीओ भगवान प्रेमिसेज वॉज अनवील्ड बाय होम। कहता है डीआरडीओ भवन परिसर के अंदर स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का किस के द्वारा अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन ऑथर एंड गुजराती कॉलमनिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि वयोवृद्ध लेखक और गुजराती स्तंभकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका फादर व्लेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैड एक्सटेंडेड द अटल विमित व्यक्ति कल्याण योजना फ्रॉम 1/7/2022 विच डेट। यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1 जुलाई 2020 से कब तक विस्तारित किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वह आपका 30 जून 2021 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वह आपका 11 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ बुक योर बेस्ट डे इज टूडे इज ऑथर्ड बाय होम। यानी कि एक पुस्तक योर बेस्ट डे इज टूडे किसके द्वारा लिखित है? इसका राइट आंसर बनता है अनुपम खेर के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात है तो, हु विल बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। यानी कौन देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी होंगे? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वह है आपका अक्षय कुमार सिंह जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मराठी फिल्म कर्ज निश्चिची वाड़ी यानी कि एसेज ऑन अ रोड ट्रिप इज द वनली इंडियन एंट्री एट टोक्यो फिल्म फेस्टिवल, इट इज डायरेक्टेड बाय होम। कहता है टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म कार्च निश्ची वाड़ी यानी कि एसेज ऑन अ रोड ट्रिप एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है, यह किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका मंगेश जोशी जी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज रिलीज्ड अ स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। यानी किस देश ने महात्मा गांधी पर गांधी के बारे में मेरी समझ एक विशेष संकलन जारी की है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका नेपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक हाउ टू बी अ राइटर इज ऑथर्ड बाय होम। यानी कि एक पुस्तक हाउ टू बी अ राइटर किसने लिखी है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो वॉज हेल्ड इन विच सिटीज। यानी किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका बनता है वह आपका वुहान चाइना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु लॉन्च्ड पे आउट लिंक्स फॉर बिजनेसेस इनेबलिंग देम टू इंस्टेंटली प्रोसेस पे आउट्स टू कस्टमर्स एम्प्लॉयज एज वेल एज वेंडर्स विदाउट कलेक्टिंग देयर बैंक्स डिटेल। यानी किसने व्यवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया जो कि ग्राहकों कर्मचारियों साथ ही विक्रेताओं को उनके बैंक वितरण एकत्र किए बिना भुगतान करने की प्रक्रिया को तुरंत सक्षम बनाता है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पेटीएम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सच्चा समाधान
सच्चा समाधान अ बायलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशंस टू एड्रेस द इरिगेशन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, यानी किस राज्य ने किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन सच्चा समाधान लॉन्च किया है। राइट आंसर बनता है वो है आपका ओडिशा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी किस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 12 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड निमोनिया डे, यानी कि विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 12 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इन विच सिटी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जामनगर, गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन विच सिटीज, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। राइट आंसर बनता है तो आपका जयपुर, राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, द नर्स एंड डायबिटीज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे, इट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि द नर्स एंड डायबिटीज विश्व मधुमेह दिवस का विषय क्या है, विषय है और इसे इसे किस दिन मनाया जाता है बताना है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज 14th नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोटेंशियल रोल ऑफ आयुर्वेदा इन द मैनेजमेंट ऑफ द कोविड 19 पेंडेमिक इज द फोकस ऑफ 5th आयुर्वेदा डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कोविड 19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावित भूमिका 5वें आयुर्वेद दिवस का केंद्र है, यह किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर बनता है यह है आपका 13 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद, इट विल बी को रिटन बाय होम, कहता है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, सोनू सूद की आत्मकथा है, इस का सह लेखन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका मीना अय्यर के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैज पास्ड अवे, ही वाज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है, वह किस देश के दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर बनता है वो है आपका बहरीन के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच बैंक हैज सक्सेसफुली लॉन्च द इनिशिएटिव डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशंस ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन, यानी कि किस बैंक ने डाकिये के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस पहल की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। राइट आंसर बनता है वो है आपका IPPB। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु इनॉग्रेटेड सरहद विस्तार विकोत्सव 2020 एट डोरडो विलेज सिचुएटेड इन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी कि कुछ को कच्छ बोलते हैं, सॉरी, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित डोरडो गांव में सरहद विस्तार विकोत्सव 2020 का उद्घाटन किया, किसने किया है। राइट आंसर बनता है वो है आपका अमित शाह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी हैज लॉन्च द 5th स्कॉर्पिन समरीन वजीर एट माजागांव डॉक ऑफ साउथ मुंबई, द सबमरीन्स डिजाइंड बाय द विच कंट्रीज नबल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनीज आर विंग बिल्ट एज पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 75। भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मंझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में किस देश की नौसेना एवं ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन की गई पनडुब्बियां बनाई जा रही है। राइट आंसर बनता है इसका फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एयर केयर हैज बीन लॉन्च टू कम्बैट राइजिंग एयर पोल्यूशन इन विच सिटी, यानी किस शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वह आपका गुड़गांव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट फूड सेफ्टी
कोऑर्डिनेशंस कमेटी टू मैनेज फूड सेफ्टी इमरजेंसीज, हु इज द चेयरमैन, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, इसके चेयरमैन कौन है? राइट आंसर बनता है वो है आपका अरुण सिंगल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिंस इन विच कंट्रीज, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में प्रारंभिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा? राइट आंसर बनता है वो है आपका इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज बाय द गवर्नमेंट्स, रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट हाउ मच परसेंट इन अक्टूबर 2020, यानी कि सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2020 में खुदरा मुद्रा स्फीति कितने प्रतिशत थी? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका 7.61%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IRCTC विल बी स्टार्टिंग भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा फ्रॉम हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, व्हाट इज द थीम्स, यानी कि IRCTC हैदराबाद और सिकंदराबाद से भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा शुरू करेगा, इसका विषय क्या है? राइट आंसर इज सो इंडिया टू इंडियंस इज इसका विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वोस्कियाना अ न्यू हिंदी बुक ऑन गुलजार वेटरन इंडियन पोएट लिरिसिस्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द राधा कृष्णन प्रकाशंस, द बुक इज एडिटेड एंड कंपाइल्ड बाय होम, यानी कि जाने माने भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई वोस्कियाना नई हिंदी पुस्तक राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, पुस्तक किसके द्वारा संपादित और संकलित है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका यशवंश व्यास द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन अमेरिकन पर्सन हैज बीन नेम्ड एज द चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग US डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर, यानी किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका कास पटेल। सॉरी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ऑयल पाम प्रोजेक्ट, यानी किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम प्रोजेक्ट शुरू किया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आसिफ वसरा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द, यानी कि आसिफ वसरा का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वो थे आपका एक एक्टर अभिनेता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RBI हैज इम्पोज अ पेनाल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, यानी किस बैंक पर RBI ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक पे। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर विद द सेंटर ऑफ डिजिटल एंटरप्राइज, यानी CODE कोड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑकलैंड बिजनेस स्कूल टू डेवलप अ वर्ल्ड फर्स्ट APAC डिजिटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, यानी किस कंपनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड बिजनेस स्कूल के सेंटर ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर विश्व के पहले APAC डिजिटल सस्टेनेबिलिटीज इंडेक्स को विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका TCS के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटीज, यानी कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका मैसूर कर्नाटक में। तो ये 75 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे रिवाइज करते रहिएगा जो भी एग्जाम देने जाना है उससे पहले। चलिए चलते चलते आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर ये करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हमारा एक वेबसाइट भी है उसे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।